this video, we will try to understand the type of solution by comparing the cell solution or the cell sap and the solution present in the beaker. So we are comparing the solvent in the cell with the solvent in the beaker, and the solute in the concentration of solute in the cell with the concentration of solute in the beaker. So for example, we are talking of hypertonic solution. Tonic ka matlab kya hota hai? Strength. Strength matlab concentration, kitna number hai. Hyper matlab zyada. Now hyper yahan pe zyada, yahan pe hum kisko gin rahe hain? Isme hum solute ki baat kar rahe hain. Yaad rakhne ke liye aap yaad rakhna. Hyper means more, that means ye jo beaker hai ya jo environment hai cell ka, ye isme solute ka number zyada hai as compared to the solute number present in the cell. If such is the situation where the cell sap is kept in such a solution where the number of solute or the concentration of the solute is more than the concentration of solute in the cell sap, so such a solution will be known as hypertonic solution for this cell. So this hypertonic solution mein jaise hi aap cell ko rakhenge, to please samjhiye, hypertonic solution hai, that means yahan solute comparatively kam hai, lekin kya zyada hoga? Obviously वाटर ज़्यादा होगा. दैट मीन्स अगर सोल्यूट कम है सेल के अंदर तो वाटर तो ज़्यादा होगा, और वाटर कंपेरेटिवली इस बीकर इस सराउंडिंग में सेम वॉल्यूम में कम है. तो क्या होगा बाय डिफ्यूजन? द वाटर फ्रॉम द सेल विल स्टार्ट मूविंग आउट इनटू इट्स सराउंडिंग. सो दैट मीन्स व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जैसे कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आपने डाल दिया है, तो सेल विल स्टार्ट लूजिंग वाटर. द वाटर विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड कम आउटसाइड इन द सराउंडिंग मीडियम. सो इन दैट मीन्स जो आपका सेल है वो अपने शेप को कंप्लीटली लूज कर देगा. इट विल बिकम श्रिंक. फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल को आपने एक ऐसे सोल्यूशन में लग रखा है जो बिल्कुल सॉल्ट से भरा हुआ है. इट इज़ वेरी हाइपरटोनिक. व्हाट विल द आरबीसी डू? इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर. व्हेन इट लूजेस वाटर इट बिकम्स श्रिंक्ड, एंड दिस काइंड ऑफ सेल डिफरेंस इज नोन एज क्रिनेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्जोस्मोसिस. देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस वर्ड को. ऑस्मोसिस हमें ऑलरेडी पता है, एग्जो मीन्स एग्जिट कर रहा है. कौन एग्जिट कर रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिट कर रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द ऑपोजिट थिंग विल हैपन ऑफ हाइपरटोनिक. हाइपर का मतलब क्या था? ज्यादा, मोर. कौन मोर है? सॉल्यूट मोर है. कहां? बीकर में. तो ऑब्वियसली हाइपो अगर इसका ऑपोजिट है तो हाइपो का मतलब क्या होगा? लेस. लेस कौन है? सॉल्यूट लेस है. अगर सॉल्यूट लेस है उस सॉल्यूशन के अंदर तो वाटर क्या होगा? मोर होगा. मतलब हम एक ऐसा सॉल्यूशन बीकर में इमेजिन कर रहे हैं जहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू द सेल सॉल्यूशंस वाटर और द सॉल्वेंट. सो इफ दिस काइंड ऑफ सेल इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? सी दिस डायग्राम. व्हाट इज हैपनिंग? वाटर बाहर ज्यादा है ना, वो क्या करेगा? डिफ्यूजन कॉज करेगा, ऑस्मोसिस कॉज करेगा. इट विल पास दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड. तो सेल क्या होगा? सेल फूलने लगेगा. जब सेल फूलने लगेगा इट कैन बी स्वोलन सेल. और कभी कभी जब बहुत ज्यादा ये वाटर से भर जाए तो देयर कुड बी रप्चर, हो सकता है वो फट जाए सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करते हैं रेड ब्लड सेल को एंड इट इज केप्ट इन अ वेरी वेरी हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंपेयर टू इट, वॉट विल हैपन? इट विल बिकम स्वोलन एंड लेटर इट विल रप्चर. दैट मीन्स लाइसिस हो गया है. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. हीमो इज फॉर रेड ब्लड सेल. क्या हो रहा है इसमें? वॉटर एंटर कर रहा है तो ऑस्मोसिस तो हो रहा है, बट वॉटर इज एंटरिंग इन साइड, अंदर. तो वहां से वर्ड क्या बन गया? एंडोस्मोसिस. वाटर इज गेटिंग इनसाइड. एग्जोस्मोसिस मींस वाटर इज मूविंग आउटसाइड द सेल. व्हेन? व्हेन द सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? वाटर इज गेटिंग इनसाइड द सेल. व्हेन? द सेल इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसका एग्जांपल देखने के लिए आप रेजिन का एग्जांपल देख सकते हो.
रेजिन दैट मीन्स किशमिश को अगर आप बिल्कुल वाटर में भिगो के एक रात तक रखोगे, अगले दिन आपको क्या दिखेगा कि बिल्कुल फूल गए हैं, वो साइज उसका एकदम बढ़ गया है. नाउ दैट इज एंडोस्मोसिस. क्यों? क्योंकि रेजिन के अंदर जो सोल्यूशन था उसमें जो वाटर कंसेंट्रेशन था उससे कंपेरेटिवली बाहर वाले बीकर में वाटर का अमाउंट ज्यादा है. तो वॉट हैज हैपेंड? वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इन टू द रेजिन. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम रेजिन तो सेल नहीं है, रेजिन तो एक पूरा का पूरा टिश्यू है. तो वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर यूर टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ सेल, दैट्स ट्रू. सिमिलरली अब उस रेजिन से आपको वाटर को बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सेम रेजिन को जो फूल गए थे वो एक ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे जिसमें आपने पहले से बहुत सारा सॉल्ट मिला के रखा है. सो इफ यू कीप इट ओवरनाइट, व्हाट यू विल सी, दे विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. इसका और अच्छा एग्जाम्पल, वेन यू मदर और यू स्टार्ट कुकिंग, तो आप अपने जो वेजिटेबल्स को कट करते हैं, कभी कभी आप लौकी वगैरह को यू मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन और सॉल्ट लगा के छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, वो वेजिटेबल अपने अंदर से पानी छोड़ रहा है. सो वेयर द वाटर इज कमिंग फ्रॉम, इट इज कमिंग आउट ऑफ द सेल्स ऑफ दोज वेजिटेबल, दैट इज एग्जोस्मोसिस इज हैपनिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज देयर इन आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक मीन्स स्ट्रेंथ, आइसो मीन्स सेम. ये आइसो वर्ड बहुत बार आएगा साइंस में. सो आइसोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम जिसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इज एग्जैक्टली सेम टू द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल. दैट मीन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का भी सॉल्यूट का भी इन दोनों के कंपेयर में. सो अगर सेल को एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया, वॉट विल हैपन, देयर विल बी नो एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर. वाई? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इज देयर, नो डिफ्यूजन इज रिक्वायर्ड, सो देयर इज नो चेंज. सो आर रेड ब्लड सेल विल सर्वाइव ओनली इफ द ब्लड मेंटेन्स आइसोटोनिक सोल्यूशन, अदरवाइज आपके जो सेल्स हैं बॉडी के वो या तो बर्स्ट हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, या तो बिल्कुल श्रंकन हो जाएंगे. सो दिस वॉज अबाउट एनिमल सेल. सो लेट अस डिफाइन हाइपरटोनिक सोल्यूशन. A solution that has a higher solute. Remember, hyper मतलब ज़्यादा, ज़्यादा किस में? Solute में. आप दोनों से define नहीं कर सकते, आप किसी एक को याद रखिए. तो higher क्या है? Solute concentration, then another solution. Hypotonic solution, a solution that has lower solute concentration than another solution. Isotonic क्या है? A solution that has the same solute concentration as another solution. So when it is there, a cell is kept in isotonic, there is no net movement of water particles. When the cell is kept in hypertonic solution, water particles will move out because of the process of exosmosis. And when the cell is kept in hypotonic solution, the water particles will move inside the cell by the process of endosmosis, causing the cell to become expand and swollen in nature. And sometimes it can burst also because of that. Now, let us try to understand that this happened when animal cell with cell membrane was kept. Now, if I change the concept, we talk about a plant cell. We have learnt in plant cell that along with the cell membrane, there is one more outer protective membrane present. This outer protective membrane is known as cell wall. Cell wall, cell membrane से अलग कैसे है? Cell membrane lipid और protein से बना होता है. Cellulose बना होता है, sorry, cell wall बना होता है cellulose से. Second difference. इसका मेन काम है रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन. हाउ वी विल टॉक अबाउट इट. थर्ड, द सेल मेम्ब्रेन वॉज सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल, बट सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, किसी को भी एंट्री और एग्जिट करने देगा, इट विल नॉट बी डिफरेंट. ये फ्लेक्सिबल नहीं होता सेल मेम्ब्रेन की तरह, इट्स वेरी रिजिड इन स्ट्रक्चर. सो व्हाई द सेल मेम्ब्रेन वॉज नीडेड, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. सो लेट अस डू इट बाय द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड. So, a plant is very different, a tree or a plant is very different from animal. Why? Although movement is possible by the tree, but locomotion is not possible. That means, wherever it is attached to the soil by the help of roots, it will be there only. Agar temperature bahut high rise ho gaya, animals so bhag sakte hain,
बट ये भाग नहीं सकते, ये जहाँ है वहीं रहना पड़ेगा. विंड इज मोर, इट के नॉट रन अवे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर, इट के नॉट रन अवे. रेनफॉल इज मोर, इट के नॉट रन अवे. सो इन ऑर्डर टू लिव इन दैट कंप्लीट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, इट हैज टू डू वॉट, it has to protect itself, and there comes the need of the cellulose that we will discuss in the next video that follows. Thank you.